नाउन का वीडियो अपन पहले भी देख चुके हैं जिसमें मैंने नाउन को अच्छे से समझाया है, एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है और रिकॉर्डिंग वो ठीक से नहीं हो पाई थी, उसमें ठीक से दिख नहीं पा रहा था। काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे थे कि वो वीडियो ठीक से चल नहीं रहा, उसमें दिख नहीं रहा, चीज़ें समझ में नहीं आ रहा, बस आवाज़ आ रही है। तो मैंने भी ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि नाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी इंग्लिश के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेसिक यही है, अगर यही नहीं आएगा तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे। तो आज फिर से वापस नाउन का वीडियो कर रहा हूँ, इसको देखना अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, नाउन अच्छे से दिख भी जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउन, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ नेम ऑफ द पर्सन और अ प्लेस और एनिमल और अ थिंग्स, यानी कि किसी भी का नाम, स्थान का नाम या स्थान, कोई जानवर है ना, और थिंग्स, ये सब चीज़ें किस में आती है, नाउन में आती है। और बात करें थिंग्स, थिंग्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही कन्फ्यूजिंग है सबसे ज़्यादा। थिंग्स में दो तरह की थिंग्स होती है, फिजिकल थिंग्स एंड नॉन फिजिकल थिंग्स। फिजिकल थिंग्स इसके नाम से पता चल रहा है, फिजिक्स, फिजिकल, फिजिक यानी बॉडी, शरीर, जो चीज़ें शरीर को टच करती है, उसको छूती है, वो सब चीज़ें किस में चल जाएगी, फिजिकल थिंग्स में चल जाएगी। यानी कि एयर, लाइट, पर्सन, प्लेस, हवा, किरणें, व्यक्ति और जगह, यह सब चीज़ें किस में जाएगी, फिजिकल में जाएगी, क्योंकि किसी भी जगह को अपन जाके छू सकते हैं, कोई मंदिर है, कोई घर है, उसको छू सकते हैं, किसी इंसान को छू सकते हैं, राम को छू सकते हैं, हवा अपन को छू सकती है, लाइट की जो कि सूर्य से जो किरणें आ रही है अपन को छू सकती है, क्योंकि गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, सब चीज़ें अपनी बॉडी को छू रही है। तो जो भी चीज़ अपनी बॉडी को छूती है या अपन किसी को छूते हैं, तो वो सब चीज़ें किस में चल जाएगी, फिजिकल थिंग्स में। और बात करें नॉन फिजिकल की, नॉन फिजिकल में वो चीज़ें आती है जिसको अपनी बॉडी छू नहीं सकती या जो अपनी बॉडी को नहीं छू सकते, केवल माइंड ही उनको छू सकता है और वो अपने माइंड को छू सकता है। जैसे चार है, मेंटल एक्टिविटीज़, क्वालिटीज़, प्रोसेस और स्टेट। मेंटल क्वालिटीज़ की बात करें, मेंटल एक्टिविटीज़ इसमें आता है नॉलेज, नॉलेज अपने माइंड में होती है ना कि शरीर में होती है, माइंड में होती है, तो माइंड को छू रही है, आइडिया माइंड में आता है, लव प्यार जो अपने दिमाग में होता है, बॉडी में नहीं होता, इमोशंस जो अपने इमोशंस आते हैं माइंड में आते हैं, अपने दिमाग के साथ खेलते हैं, दिमाग को परेशान करते हैं ना कि बॉडी को परेशान करते हैं। थिंग्स अपने जो विचार हैं वो सब चीज़ें किस में जाते हैं, माइंड में, क्योंकि वो माइंड से ही तो खेल रहे हैं, माइंड को ही तो टच कर रहे हैं। अब किसी का जो विचार है अपनी बॉडी को थोड़ी ना टच करता है, किसी के विचार अच्छे हैं तो अपन उसको माइंड में सोचते हैं कि हाँ उसके विचार अच्छे हैं, सही है ना, तो माइंड को ही टच कर रहे हैं सब चीज़ें। क्वालिटीज़ में आ जाता है कि ब्यूटी, होनेस्टी, ब्रेवरी। ब्यूटी किसी की सुंदरता, किसी की होनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, किसी की बहादुरी, ये सब चीज़ें क्या है, क्वालिटीज़ है किसी की। सब क्वालिटीज़ क्या है, अपन माइंड से तो देखते हैं कि हाँ यार कितना ईमानदार है, ये कितना सुंदर है, ये कितना बहादुर है, तो सब चीज़ें अपने माइंड में ही तो सोच रहे हैं ना अपन कि हाँ ये कितना समझदार, माइंड में तो सोचा, अपनी बॉडी ने थोड़ी ना सोचा है, माइंड ने सोचा है, यानी कि माइंड इन सब चीज़ों पर काम कर रहा है। तो जो भी चीज़ माइंड को टच करती है वो जब सब चल जाएगी नॉन फिजिकल में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस, क्वालिटीज़ क्या हो जाएगी, नॉन फिजिकल थिंग्स हो जाएगी, जो कि नाउन होगी। प्रोसेस, सेलेक्शन, एडमिशन, मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें भी क्या हो जाएगी, नॉन फिजिकल थिंग्स के अकॉर्डिंग नाउन हो जाएगी। किसी का सिलेक्शन हो रहा है, अब किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो अपन माइंड में तो सोच रहे हैं ना कि हाँ इसका सिलेक्शन हो गया, तो ये माइंड को टच कर रही है। कोई किसी का एडमिशन हो गया, किसी का एडमिशन कराना, ये सब चीज़ें क्या माइंड में खेल रहे हैं, बॉडी थोड़ी ना एडमिशन करा रही, माइंड एडमिशन कराया कि गए, माइंड में सोचा कि हाँ किसी का एडमिशन कराना है, मैनेजमेंट करना है किसी चीज़ का, तो माइंड में सोच रहे हैं अपन। कोई भी चीज़ का प्रोसेस है, किसी की क्वालिटी है, कोई सी भी स्टेट है, किसी की अवस्था, बैठे रहने की अवस्था है ना, सब चीज़ें किस में जाएगी, नॉन फिजिकल के अकॉर्डिंग नाउन में जाएगी। जैसे चाइल्डहुड, बचपन, एक तरह से एक अवस्था थी बचपन, अवस्था है जवानी, ये एक अवस्था, ये सब किस में जाएगा, स्टेट में जाएगा। गरीबी, अमीरी, ये सब क्या है, एक अवस्था है, स्टेट्स हैं, ये सब किस में जाएगी, नॉन फिजिकल थिंग्स में। और नॉन फिजिकल थिंग्स के अकॉर्डिंग ये नाउन बन जाएंगे। तो फिजिकल थिंग्स नाउन होती है, साथ में नॉन फिजिकल थिंग्स भी नाउन ही होती है, ये याद रखना है अपन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान की। पहचान का मैंने अच्छे से बता रखा है आपको, कैसे पहचान करते हैं, कुछ नहीं करना, सीधा कोई सा भी वर्ड है जिसका अपन को पता करना है ये नाउन है या नहीं है, उसके आगे पजेसिव वर्ड, तुम्हारा या तुम्हारे लगा दो। पेन का पता करना है, तुम्हारा पेन, अगर बोलने में सही लग रहा है, जैसे कोई भी चीज़ अपन बोलते हैं ना, अगर बोलने में सही लग रही है तो वो चीज़ नाउन है, उस लाइन को बोलने पर जो आपको अगर सही लगता है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। जैसे पेन का पता करना है, तुम्हारा पेन, अपन नॉर्मली बोलते हैं सही लग रहा है, इसलिए ये पेन क्या है, नाउन हो जाएगी। बुक, ब्यूटी का पता करना है, तुम्हारा लगाओ इसके आगे, तुम्हारी ब्यूटी, बोलने में सही लग रहा है, ब्यूटी यानी सुंदरता, तुम्हारी सुंदरता, बोलते हैं सही चीज़ है, तो ये भी नाउन हो जाएगी। एक रिदम बना लो, क्या, तुम्हारी पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी ब्यूटी,
किसी और वर्ड का पता करना है, तुम्हारी रजिस्टर का पता करना है, नाउन यानी तुम्हारी पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा रजिस्टर, हाँ कुछ भी चीज़ की पता करना है। प्रोसेस में ले लेते हैं मैनेजमेंट, तुम्हारी बुक, तुम्हारा पेन, तुम्हारा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट नाउन हो जाएगा। स्टेट का ले ले जैसे रिचनेस, तुम्हारी बुक, तुम्हारा पेन, तुम्हारी रिचनेस, तुम्हारी अमीरी, सही है ना। जैसे बोलने में सही लगे वो सब चीज़ें, तुम्हारा लगा के अगर बोलने में सही लगता है वो वर्ड, तो नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब जो क्या है, तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी सुंदरता, अगर इस ब्यूटी को अगर अपन एडजेक्टिव में बनाते हैं ना, तो इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, ब्यूटीफुल। जो कि जो एडजेक्टिव क्या, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है, नाउन की विशेषता बताते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है, आगे अपने आगे नाउन को मांगते हैं कि मेरे बाद में नाउन को रखो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये एग्जांपल है जैसे तुम्हारा सुंदर चेहरा, योर ब्यूटीफुल फेस। अब यहाँ पे अगर ये फेस नहीं होता, योर, तो अपन को ऐसा लग रहा है कि योर ब्यूटीफुल, तो अपन को ऐसा लग रहा है कि यार आगे कुछ आना चाहिए, योर ब्यूटीफुल व्हाट, क्या तुम्हारा सुंदर, क्या कुछ मांग रहा है अपने आप ही। एडजेक्टिव हमेशा कुछ ना कुछ मांगता है अपने आगे, नाउन को मांगता है, तो योर ब्यूटीफुल फेस, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला, यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव की जगह नाउन डाल दिया, तुम्हारा सुंदरता चेहरा, एक तो बोलने में सही नहीं लग रहा, योर ब्यूटी फेस, ब्यूटी फेस नहीं होता, नाउन के आगे नाउन नहीं आती, कभी भी नहीं आती। 1% में नाउन के आगे नाउन आ सकती है, वो मैं आगे बताऊंगा कब आती है, वो तब आती है, अभी बताता हूँ, वो तब आती है जब वो जो नाउन है उसका क्वालिफाई करे आगे वाले नाउन। जैसे योर चिल्ड्रन स्कूल, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं योर चिल्ड्रन स्कूल, स्कूल भी नाउन है और, ठीक है, तो जो स्कूल है ना, यहाँ पे लिखते हैं जैसे योर चिल्ड्रन स्कूल, है ना, तो ये जो स्कूल है ये नाउन है, चिल्ड्रन भी नाउन है, ठीक है, जो ये स्कूल है ना इसको क्वालिफाई कर रहा है चिल्ड्रन, कौन सा स्कूल, बच्चों का स्कूल, तो ये नाउन के आगे नाउन आ सकती है, लेकिन ये यहाँ पे इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा, सुंदर चेहरा, सुंदरता, ये इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा, बट यहाँ पे स्कूल को ये चिल्ड्रन जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, तो नाउन के आगे नाउन ऐसी कंडीशन में आ सकती है, लेकिन ऐसी कंडीशन में कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। जब क्वालिफाई कर रहा हो नाउन को आगे वाला वर्ड, वो नाउन एज ए एडजेक्टिव काम करती है, ये चिल्ड्रन है यहाँ पे नाउन है, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है इस स्कूल के लिए, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। आगे बढ़ते हैं, जैसे अब ये है, ये सेंटेंस दे रखा था योर ब्यूटीफुल, तो योर ब्यूटीफुल, अभी सेंटेंस गलत है, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, और ये अपने आगे नाउन मांग रहा है, योर ब्यूटीफुल व्हाट, मुझे आगे कुछ चाहिए। अगर यहाँ पे अगर फेस होता तो सेंटेंस सही हो जाता है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, नाउन नहीं है, तो ये गलत सेंटेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, योर होनेस्ट फ्रेंड, योर होनेस्ट, होनेस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कैसे पता करते हैं, आगे बताऊंगा, लेकिन अभी भी बता देता हूँ कैसे पता करते हैं। तुम लगा लो इसके आगे, तुम होनेस्ट, तुम गुड हो, तुम बेड हो, तुम होनेस्ट हो, एक रिदम बनाया, जैसे अपने नाउन में रिदम बनाया था, तुम्हारी बुक, तुम्हारा पेन, तुम्हारा रजिस्टर, तुम्हारी बुक, तुम्हारा पेन, तुम्हारी ब्यूटी, ऐसे पता कर रहे थे। एडजेक्टिव में एक रिदम बना लो, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम होनेस्ट हो, होनेस्ट का पता करना है, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम होनेस्ट हो। कॉन्फिडेंट का पता करना है, एडजेक्टिव है या नहीं है, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम होनेस्ट, तुम कॉन्फिडेंट हो, तो इस रिदम से अपन एडजेक्टिव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एडजेक्टिव हो गया, अब एडजेक्टिव आने के बाद अपने आगे कुछ नाउन चाहिए होगा अपन को, क्योंकि एडजेक्टिव अपने आगे नाउन मांगते हैं, अगर नाउन नहीं तो भी गलत हो जाएगा। तो होनेस्ट, होनेस्ट व्हाट फ्रेंड्स, यहाँ पे नाउन हो जाएगा, ठीक है, योर होनेस्ट फ्रेंड, ये कंप्लीट हो जाएगा। ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी बहादुरी, बहादुरी का पता करना है, नाउन का है यानी, कैसे पता करेंगे, तुम्हारा, तुम्हारे लगाओ, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी बहादुरी, सही है, बोलने में से लग रहा है तुम्हारी बहादुरी, तो ये नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस ब्रेवरी को अगर एडजेक्टिव बनाए तो इसका एडजेक्टिव बनेगा ब्रेव, ब्रेव बन जाएगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव है इसका पता करें तो कैसे का पता करते हैं, अभी मैंने बताया, जैसे होने इसके लिए एक एकदम पकड़ो, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम ब्रेव हो, ठीक है, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम ब्रेव हो, सही बन रहा है। तो ब्रेव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव अपने आगे नाउन मांगते हैं, क्योंकि अकेले नहीं आते, नॉर्मली अकेले नहीं आते ये, ठीक है, नॉर्मली अकेले नहीं आते, तो आगे नाउन ले, नाउन कोई से भी डाल, कोई से भी नाउन डालो, यहाँ पे ब्रेव फ्रेंड डाल दो, ब्रेव मदर डाल लो, ब्रेव ब्रदर डाल लो, कुछ भी नाउन आना चाहिए आगे, तो ये नाउन डाल दिया अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्रेव क्या है, फ्रेंड को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। अगला जैसे रिदम है, ये रिदम में नहीं आ, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी रियलिटी, रियलिटी का पता करना था, तो रिदम, तुम्हारी बुक, तुम्हारी रियलिटी, सही बन रहा है सब कुछ बोलने में, तो सही है।
अब ये अवेयर, अवेयर का अवेयर क्या है, एडजेक्टिव है, कैसे पता चला मुझे? रिदम पकड़ो, क्या बोला था मैंने, तुम गुड़ो, सभी बोलो तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम अवेयर हो, है ना, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम अवेयर हो, इससे पता कर लो। ये एडजेक्टिव के मेथड है। नाउन का मेथड क्या है, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा फ्रेंड। फ्रेंड का, फ्रेंड का पता करना था नाउन है या नहीं है, तो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा फ्रेंड, तो नाउन हो जाएगा। अवेयर का पता करना है, कैसे पता करेंगे एडजेक्टिव है या नहीं है, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम अवेयर हो। एक तो ये मेथड है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का एक और मेथड है, वो क्या है, स्टिकर मेथड है। वो स्टिकर मेथड कैसे, उस अवेयर वर्ड के बाद में जस्ट एक नाउन लगा दो, जो अपन नॉर्मली लगा रहे हैं अभी भी, नाउन लगा दो, जैसे अवेयर फ्रेंड, फ्रेंड के आगे अवेयर लगा दे तो अवेयर फ्रेंड, स्टिकर मेथड हो गया ना। अवेयर फ्रेंड के आगे अवेयर लगा दिया, नाउन के आगे स्टिकर लगा दिया अवेयर, तो क्या हो जाएगा, इसका नाउन हो जाएगा और एडजेक्टिव हो जाएगा, तो जागरूक दोस्त एक सही हो जाएगा। तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारी जागरूकता, है ना, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी जागरूकता, ये सही हो जाएगा, तो ये भी नाउन हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा ये अभी ये जो वर्ड्स है इनको अपन डायरेक्ट पता करते हैं, सिलेक्शन है या नहीं है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा सिलेक्शन सही है। तुम्हारी पेन, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा फ्रेशनेस, तुम्हारी फ्रेशनेस सही है। तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारी पेन, तुम्हारी बैग, तुम्हारा नेचर, ये भी सही है, क्योंकि बोलने में सही लग रहे हैं सारे के सारे। और फ्रेश का अगर एडजेक्टिव बनाएंगे फ्रेशनेस का, तो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसे पता करते हैं एडजेक्टिव को, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम फ्रेश हो, एक तो ऐसे पता कर ले एडजेक्टिव है, या फिर स्टिकर मेथड से फ्रेश मैंगो, फ्रेश केक, नाउन के आगे लगा दिया ना फ्रेश को, केक है, केक एक तरह से क्या है, नाउन है, मैंगो क्या है, एक तरह से नाउन है, तो आगे लगा दिया फ्रेश को, तो एडजेक्टिव हो गया। आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ का पता करना है, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी ग्रोथ, सही बन रहा है, तो ये भी नाउन है। एजुकेशन का पता करना है, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी एजुकेशन। कॉन्फिडेंस का पता करना है, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी कॉन्फिडेंस, सब बोलने में सही लग रहे हैं। तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा हिंदुइज्म, तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारा बिहेवियर, ये सब बोलने में सही लग रहे हैं, यानी कि सब नाउन है। ठीक है, बात करें रिलेशन और रिलेशनशिप का डिफरेंस क्या होता है, मैंने पहले भी वाली वीडियो में बताया था, लेकिन सारी चीज़ रिपीट कर रहा हूँ इस वाली वीडियो में, ताकि आपको नाउन एक तरह से अच्छे से समझ में आ जाए। रिलेशन और रिलेशनशिप में डिफरेंस है, रिलेशन है कॉन्टैक्ट में रहना, जैसे मैं एक मेरे दोस्त के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, मेरे दो चार दोस्तों सबके कॉन्टैक्ट में, यानी मैं उनके साथ रिलेशन में हूँ। लेकिन किसी बंधन में होना वो रिलेशनशिप, यानी कि मम्मी पापा का, मतलब बाप बेटे का रिलेशन, माँ बेटे का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, पति पत्नी का रिलेशन, वो सब रिलेशनशिप में होते हैं। ठीक है, तो ये तो गया अपना नाउन। अब आपको अगर एडजेक्टिव भी दोबारा से पढ़ना हो, अगर वीडियो में कोई दिक्कत आ रही हो, वैसे वीडियो सही हो जाएगा अगर आप यूट्यूब में जो पिक्सल्स है उनको अगर 360 या 720 पे अगर इंक्रीज कर दोगे, तो वीडियो क्लियर आ जाएगा, आपको दिखने लग जाएगा। लेकिन मैं एक तरह से आपको अच्छे से प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ हर एक मटेरियल, जिससे आपको इंग्लिश 0 लेवल से 100 लेवल तक आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, स्पोकन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर कॉन्टैक्ट्स, दोज़ हू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम।